नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत का सबसे प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का नया सीजन सोमवार से शुरू हो रहा है। पिछले साल चैंपियन बनी विदर्भ की टीम अपना खिताब बचाने उतरेगी। विदर्भ के दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर के लिए भी यह सीजन कई मायनों में खास होगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने उम्र में फर्जीवाड़े को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में पीसीबी को सलाह दी है कि वह खुद ही अपना मजाक न उड़ाएं। वेस्टइंडीज ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मेहमान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। उसकी इस जीत के हीरो लैंडल सिमंस रहे। उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे अधिक 67 रन बनाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने ही नायाब रोहित शर्मा से रनों की रेस जीत ली है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। हालांकि बतौर कप्तान विराट कोहली के लिए यह मैच अच्छा नहीं रहा और उनकी टीम यह मैच हार गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।